हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं, चलिए अच्छी बात है। आप लोग को आज हिंदी में पढ़ना है। यहाँ देखिए, एक एक अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाओ, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से एक अक्षर आपको अपने मन से जोड़ना है और उससे एक नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टहल, टहल। तो अब हम अपना मन से एक वर्ड शब्द जोड़िए इसमें, जिससे कोई शब्द बने। तो अगर हम ख जोड़ते हैं तो खटहल हो जाएगा, अगर स जोड़ते हैं तो सटहल हो जाएगा। तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ऐसा शब्द जोड़े ऐसा जिससे कोई अर्थ निकले। तो यहाँ टहल है, तो टहल में हम देखिए यहाँ क जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कटहल, कटहल। उसी तरह से यहाँ है दूसरा शब्द सरक, अब यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ हमें एक शब्द जोड़ना है। तो यहाँ कौन सी शब्द जोड़ेंगे, तो सरकस बराबर हो जाएगा सरकस, सरकस। इसी तरह से आप लोगों को और भी देखिए दो वर्ड बनाना है। यहाँ है रपट, रपट। इसमें हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे तो चार अक्षर का शब्द बनेगा। तो देखिए है, अगर हम ट जोड़ते हैं तो टरपट हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसा शब्द जोड़ना है जिसका अर्थ निकले। तो यहाँ हम स जोड़ देंगे तो हो जाएगा सरपट। देखिए फिर म ट म है, तो अगर यहाँ हम ट जोड़ देंगे तो हो जाएगा टम टम। इसी तरह से और इसी पैटर्न पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग इसी तरह से इसको बनाइएगा। एक एक अक्षर जोड़कर नए नए शब्द को आप लोगों को बनाना है। फिर दूसरा है दिए गए पैटर्न के अनुसार शब्द बनाइए। मतलब आप पैटर्न को देखिए और उसके अनुसार शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ क्या है, खट, और यहाँ एरो का निशान है, मल को जोड़ना है। तो खट खट है और मल है, तो यहाँ हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खट मल, खट मल। तो बच्चों इसी तरह से फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ मल मल और फिर यहाँ मल मल, तो क्या हो जाएगा, मल 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 मल। इसी तरह से आपको जोड़ करके शब्द बनाना है। जैसे यहाँ भी देखिए है नभ नभ, यहाँ एरो बना करके दिया हुआ है चर, नभ को चर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा नभ चर। ऐसे बच्चों नभ मतलब आकाश होता है और चर मतलब चलना होता है, आकाश में चलने वाले को नभचर कहते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए थल थल, चर चर, थल को अगर चर में जोड़ देंगे तो थलचर हो जाएगा। थल मतलब स्थल जमीन होता है और चर मतलब चलना होता है, जो जमीन पर चलने वाले होते हैं उन्हें थलचर कहते हैं, जो आकाश में चलने वाले होते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। तो इसी पैटर्न पर और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा असाइनमेंट में, जिसको कि देख करके आपको बनाना है, इसको फॉलो करना है। तीसरा क्वेश्चन है दिए गए अनुच्छेद में से चार अक्षर वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ तो बच्चों दशरथ अब झटपट उठ, बरबर मत कर, बदन पर उबटन मल, अचकन पहन। यहाँ तो मैं दो लाइन लिखा हूं, एक दो तीन चार को सेंटेंस है, लेकिन असाइनमेंट पे आपको बहुत सेंटेंस रहेगा, उसमें से चार अक्षर वाले शब्द चुनना है। तो यहाँ देखिए पढ़िए, दशरथ अब झटपट उठ, तो दशरथ अब इसमें चार अक्षर वाला शब्द कौन है, इसको हम इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। देखिए फोर, तो दशरथ में चार अक्षर है, तो यहाँ हम लिख देंगे दशरथ, दशरथ। उसी तरह से आप देखिए अब, अब अब में दो अक्षर है इसलिए नहीं होगा। फिर देखिए है झट पट, तो फिर कर देंगे झट पट, झटपट।
इसी तरह से बच्चों बरबर मत कर, देखिए बर बर बरबर है, यहाँ लिख देंगे बर र बर र बरबर, कॉमा देकर के लिखना है। फिर देखिए यहाँ है 1 2 3 4, ये भी चार अक्षर का है, तो लिख देंगे अ च क न अचकन। तो इसी तरह से यहाँ देखिए फिर है उ ब ट न उटन। तो इसी तरह से बच्चों आपको तीन तरह का आज क्वेश्चन दिया गया है। पहला है एक एक अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाओ, आपको एक अक्षर जैसे टहल में क जोड़ दिए तो कटहल हो गया, सड़क में स जोड़ दिए तो सर्कस हो जाएगा, रपट में पहले स जोड़ देंगे तो सरपट हो जाएगा, मटम में पहले ट जोड़ दिए तो टमटम हो जाएगा। तो इस आधार का आपको और क्वेश्चन जाएगा, इसी तरह से आप लोग को बनाना है। दूसरा है देखिए दिए गए पैटर्न के अनुसार शब्द बनाए, खट में मल जोड़ दिए तो खटमल हो गया, मल में मल जोड़ दिए तो मलमल हो गया, मलमल एक कपड़ा होता है, नभ में चर जोड़ देंगे तो नवचर हो जाएगा, थल में चर जोड़ देंगे तो थलचर हो जाएगा। यहाँ आप लोग को खुद बनाना है। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है दिए गए अनुच्छेद में से चार अक्षर वाले शब्द चुनकर लिखें। तो दशरथ आप झटपट उठ, तो देखिए दशरथ चार अक्षर वाले शब्द थे, मैं यहाँ लिख दिया। इस तरह से असाइनमेंट में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को जाएगा, आप लोग को बनाना है, शुद्ध शुद्ध बनाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर नर्सरी, आज हम लोग इंग्लिश के क्लास में सीखेंगे बनाना क्या, सर्किल द करेक्ट वॉवेल साउंड। मतलब यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया, जैसे कैट देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, फिश देख रहे हैं, तो कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल से मिलकर बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट्स के साथ वॉवेल आएगा तभी वो वर्ड बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं सी ए टी कैट, तो कैट में सी भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर वॉवेल है बीच में, वो है ए, तो सी ए टी मिल करके कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इसी तरह से बी यू एस, तो बी भी कॉन्सोनेंट है और एस भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ वॉवेल क्या है, यू है, तो आप देख रहे हैं। इसी तरह से फीस में भी एफ कॉन्सोनेंट है और एस एच क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, बीच में वॉवेल आई है। तो आपको क्या करना है, तो वॉवेल साउंड को हम कैट में कौन सा वॉवेल साउंड प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो ए आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में जिस वर्ड में जो वॉवेल आ रहा है उसको क्या करना, सर्किल कर देना, इस तरह से घेर देना। इसी तरह से बस में यू आ रहा है तो यू को यहाँ राउंड कर देंगे। अब आप लोग समझ रहे हैं कि क्या करना है, इसी तरह का इसमें भी करना है। फीस में क्या आ रहा है, तो आई आ रहा है, आई को राउंड कर देना है, आई वाला ही बॉक्स में जो वॉवेल का बॉक्स दिया हुआ है इसी में से इसका जो वॉवेल है उसको इस बॉक्स में क्या कर देना, राउंड कर देना। अब आप लोग समझ रहे हैं इसको। अब मैं दूसरे सवाल क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। डू इंटू हिंदी करने के लिए दिया गया, आप लोग काका किकी का अंग्रेजी आप लोग पढ़े हैं, कैसे का केस था, यारा लवा का अंग्रेजी बनाए हैं, आई का अंग्रेजी जानते हैं, उसी के आधार पर इसको बनाना है। कैसे का के आई की के डबली की के यू कू के डबलो कू के ई के आई के ओ को के यू कौ के एन कन के एच का, यदि आप इसको जानते हैं तो इसका हिंदी करना आसान है आपके लिए। कैसे क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा का, इसी तरह से के डबली से क्या हो जाएगा, के डबली से दीर्घिकार की हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसका हिंदी करना, आप लोग समझ रहे हैं। अब मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। डू इंटू इंग्लिश करने के लिए यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग बस वही 12 खड़ी के आधार पर ही इसको इंग्लिश
में बदल सकते हैं। जैसे का अंग्रेजी आप पढ़े हैं के से का, तो फिर का है तो फिर के दे देंगे, एक बड़ी रखेंगे के शुरू वाला और उसके बाद सब छोटी लेटर में लिख देंगे। माला में उसी तरह से एम, एम को बड़ा रखेंगे तो एम ए दे देंगे, एल ए दे देंगे, माला हो। जैसे देखिए यहाँ पर मैं फिर एक बना रहा हूँ एम ए एल ए। इसी तरह से आप लोगों को और भी डू इन टू इंग्लिश करने के लिए दिया गया है, आप लोग सब समझ रहे हैं यहाँ पर कैसे बनाया गया। इसी तरह से आप लोग अपने कॉपी में इसको बनाएंगे और इसे रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। That's all.